अमृत महोत्सव के तहत विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बरेली में दिव्यांग बच्चों के लिए नेशनल हेल्थ फेस्ट फॉर दिव्यांग का आयोजन किया गया। अल्पसंख्यक एवं पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह ने शिरकत कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। मेले में बच्चों को उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देने के साथ ही उनका परीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। इस स्वास्थ्य मेले में जिले के वन कॉल वन टीचर से जुड़े सभी अक्षम बच्चों ने भी भाग लिया और अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। महान नहीं होता है, उसको एक अवसर दिया जाता है। ये जो दिव्यांग बच्चे हैं, ये जन्म से जैसे भी हैं, इनको ठीक करने का काम समाज का ही है। जो आज विभिन्न व्यवस्थाओं में, विभिन्न विधाओं में ये कार्यक्रम किया गया, वैसे भी हमारे यहाँ कहा गया है प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई कल्टीवेशन एंड मेन बाई एजुकेशन। पौधों का विकास निराई गुड़ाई सिंचाई से होता है, ठीक मनुष्य का विकास शिक्षा से होता है, व्यवस्था से होता है। हमारे मेयर साहब एक अच्छा ट्रेंड है, यानी तकनीकी शिक्षा। हमारे डॉक्टर, हमारे मंत्री हैं सहयोगी उत्तर प्रदेश सरकार में, जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं रश्मि पटेल, ये सब समाज में एक अच्छा काम करने के लिए तत्पर हैं। ये संस्था के जितने भी सहयोगी हैं जो विभिन्न स्तर पर ये दिव्यांग बच्चों को एक अच्छा बनाने का काम कर रहे हैं, आपके इस चैनलों के माध्यम से मैं इन सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ये कार्यक्रम जो है ये एक ओलंपिक्स का फॉर्मेट है, एमआर बच्चों के लिए है, कि जहाँ पे हमारे एमआर बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए आए हैं और यही बच्चे जो हैं वो आगे स्टेट लेवल और फिर अपनी कंट्री के लिए पैरालंपिक्स में जाएंगे। तो ये एक शुरुआत है बच्चों के लिए।